हाँ चालू। परम पिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि, फिल्मों के अंदर हमने बहुत चीजें देखी पर हमने बाबा को देखा ना, हमारा बाबा दोबारा जिंदा हो गया। देखो बाबा रूप रूप ऐसे ही बाबा बनाया है ना, ये पता नहीं कौन मान सकती है, ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा ही है ना। इनको हमने पहले भी देखा है कई जगह पर, भाई इधर करना मुँह, हमने कई जगह पर देखा बाबा को, है ना। ये भी बड़ी अजीब चीज़ है, ऐसा लग रहा है हमारा बाबा यंग होगा ना जवान, तब ये बाबा। तो जो फिल्म के भी देखेंगे इस फिल्म को, और आज है 27 जनवरी, 27 जनवरी को जो एक बाबा के बच्चे थे एडवोकेट राजकुमार शर्मा जिला पलवल, तो मैं उनको पहले से जानता था फरीदाबाद के टाइम से। तो 27 जनवरी को उनसे मेरा मतलब ऐसा आमना सामना हुआ, तो भाई साहब मुझसे कहते तू काम करेगा, मैंने क्यों नहीं करूँगा। 27 जनवरी मतलब वो लाइन ऐसे चालू हो गई, भाई साहब का कहना था ना, वो भाई साहब नहीं थे वो बाबा था, क्योंकि वो बाबा के बहुत पुराने बच्चे थे, वो अब भी हैं, मेरा अब भी उनसे संपर्क है। और उनकी पढ़ाई में जैसे ये बाबा ज्ञान में चलते 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 मैंने भी वकालत कर ली, तो वो भाई साहब भी हैं और जो मधुबन है। तो ये आज जो 27 जनवरी है ना, तो मेरे को भाई साहब ने बोला कि तू मेरे पास काम करेगा, खास अगर वो ये बात ना कहती तो शायद मैं ना पलवल में जाता, ना मैं बाबा का बच्चा बनता, है ना। तो अच्छी बात है ना। और फिर जैसे हम चले ना, तो फिर हमारे को ऐसा बाबा से आमना सामना हुआ 14/5/2014, मेरे कानों ने सुना कि बाबा का सेंटर कृष्णा कॉलोनी में भी है। मैं समझता था पलवल में एक ही जगह है भाई। 16 तारीख को तो बाबा से रू रहान, और वो दिन है आज का दिन है, तो जो 27 तारीख है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी अचानक ही आया और आज ही हम इसमें आए मधुबन में, इससे पहले हम द्वारका गए थे, सोमनाथ गए थे। तो बहुत अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।